वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो अपने फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक NTA UGC नेट के ये पेपर नहीं चेकआउट किए तो चेक कर ले। और व्हाट इज आर्ट को लेके मैं पूरा ही एक वीडियो बना रही हूँ, आज भी उसी के बारे में बात करूँगी। ये प्रीवियस वीडियो है, नहीं देखे हैं तो चेक कर ले। देखिए यही सब चीज़ कला का अर्थ क्या है, ये सब मैं पहले डाल चुकी हूँ पहले के वीडियो में, उसी का एक ग्लिम्प्स दिखा रही हूँ। जैसे कि फाइन आर्ट को ललित कला भी कहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ उसमें बताई हूँ। कला के कितने प्रकार होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, मृदभांध कला, प्रस्तर कला, धातु कला, दंत कला, ये सब बताई हूँ। वीडियो को ज़रूर चेक करें और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज मैं क्या बात करूँगी ये आप लोग को बताऊँगी। जैसे बास रिलीफ दो होते हैं, हाई लीड रिलीफ और लो रिलीफ, तो ये हो गया कल तक के वीडियो। आज हम बात करेंगे कला की अवधारणाएं। वो लिखने में थोड़ा गलती हो गया, कल हो गया है, मिस्टेक है, कला होगा। कला की अवधारणाएं, इसमें हम बात करेंगे प्लेटो, हीगल, क्रोचे, टॉल्स्टॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, हर्बर्ट लिड और भी ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर के बारे में कि उन्होंने कला के बारे में क्या बोला है, उन्होंने कला को किस स्तर से देखे हैं और उनका कला के लेके उनकी क्या अवधारणाएं रहे हैं। तो आइए मैं इमेज के साथ बात करूंगी। जैसे प्लेटो, तो ये देखिए प्लेटो का इमेज है, ये प्लेटो हैं महान फिलोसोफर, और इनके अनुसार से कला क्या है बात कर लेते हैं। इनका कहना है प्लेटो का, कला का प्राण सौंदर्य है, कला को सत्य की अनुकृति माना है। नेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इमिटेशंस को लेके, तो प्लेटो ने इमिटेशंस की बात की है। प्लेटो कहते हैं इमिटेशन आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। सेकंड है फ्रेडरिक हेगल, ये देखिए ये भी फिलोसोफर है, इन्होंने कला के बारे में कहा है, हीगल ने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। हीगल का पूरा नाम है विलियम फ्रेडरिक हेगल, बट ये फ्रेडरिक हेगल के नाम से बहुत ही फेमस हैं। ये सारे क्वेश्चंस नेट के लेवल पे, KVS के लेवल पे पूछे जाते हैं। आप लोग को ये जो मैं कोटेशन दे रही हूँ, ये सेम कोटेशन वो दे देंगे नेट में और बोलेंगे कि किसके द्वारा लिखा गया है, क्रोचे का है या हीगल का है या फ्रॉयड का है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर ले। ये है बेनेडिक्टो क्रोचे, इन्होंने कला के बारे में कहा है क्रोचे ने। बेनेडिक्टो क्रोचे जो हैं क्रोचे के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्रोचे कहे हैं, क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कोटेशन क्रोचे का है। अच्छे से सारे कोट को याद कर ले। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉयड, बहुत ही जाने माने फिलोसोफर हैं, इन्होंने ही साइको एनालिटिक सुपर ईगो ईगो इड के बारे में बात किए हैं। ये कहते हैं कला के बारे में, फ्रॉयड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिगमंड फ्रॉयड, फ्रॉयड के नाम से फेमस है। इनका साइको एनालिसिस थ्योरी है, अगर हो सके आप लोग से तो उसे पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इन्होंने तीन कॉन्सेप्ट बोला था, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसे ज़रूर देख के जाएं, नेट के लेवल पे बहुत बार मैचिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, सभी जानते हैं इनको। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है, ये कोट रविंद्रनाथ टैगोर का है। मालूम होगा आप लोग को कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी, और शांति निकेतन में एक आर्ट कॉलेज है कला भवन बोल के, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, आर्ट के लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को, तो वो लोग के लिए
हेल्प करेगा। लियो टोल्स्टॉय बहुत ही फेमस है, इन्होंने देखिए आर्ट के बारे में क्या बोले हैं। टोल्स्टॉय का कहना है, टोल्स्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक में और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, कला है। टॉल्स्टॉय ने कहे रेखा, रंग, क्रिया, ध्वनि, शब्द, ये सब जो चीज़ है और ये सब देख के जो दर्शक और पाठक के मन में सेम भाव जागृत कर दे, वही कला है। ये सारे क्वेश्चंस आपको राजस्थान एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट सभी लेवल पे पूछे जाते हैं, तो पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है हर्बर्ट रीड, इनकी बुक है मीनिंग ऑफ आर्ट। और हर्बर्ट रीड कला के बारे में कहते हैं, अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। इनकी बहुत ही फेमस भी बुक है मीनिंग ऑफ आर्ट, एनटीए नेट और केवीएस के लेवल पे बहुत बार पूछा गया है। मैं कल म्यूजियम से एक वीडियो डाली थी लखनऊ म्यूजियम का, उसे आप लोग ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।